हेलो एंड वेलकम दोस्तों टू फाइंड इंजीनियरिंग। जैसे प्रॉमिस किया था पिछले वीडियो में कि भाई डी को कैसे उस फाइंड किया जाए, इतना कॉम्प्लेक्स एक्सप्रेशन है, डी को फाइंड करने का कोई तरीका बताओ यार, आसान तरीका समझाओ। तो यहाँ पे मैं वही सम यहाँ पे कंटिन्यू करके इस वीडियो में डी मैंने कैसे कैलकुलेट किया था वो यहाँ पे मैंने एक्सप्लेन किया है। बाकी चीजें जो थी उस वीडियो में वो अंडरस्टैंडेबल थी, वो पिछला जो प्रीवियस था कंटेंट उसी के बेसिस पे समझाने लायक थी, तो वो पिछला वीडियो में समझा दिया है। अब यहाँ पे भैया डी को कैसे फाइंड किया जाए वो समझना है। तो कैसे फाइंड किया जाए, वी हैव टू फाइंड द डी। तो हम लोग कहां पे आके रुके थे कि e into d is equal to 1 mod phi of n। तो इसमें मैंने क्या बोला था कि e और phi of n को प्राइम है, मतलब कि अगर मैं e और phi of n का दोनों का जीसीडी निकालूं तो वो 1 आना चाहिए। तो यहां पे आपके ये दोनों को प्राइम थे, और जब ये कंडीशन हो तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या कहता है कि इन दिस सिचुएशन, इन दिस रिप्रेजेंटेशन, इफ दिस इज द कंडीशन फॉलोड कि e एंड phi of n आर को प्राइम, देन d इज अ मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ e, देन d मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ डी ई। तो अभी हम लोगों को ये डी फाइंड करना है। तो डी कैसे फाइंड किया जाए, तो सिंपली ये फॉर्मूले पे अमल करना है, उस फॉर्मूले पे चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है, पूछना नहीं कब तक, लेकिन चलते रहना है। एक टर्मिनेशन कंडीशन में आपको बता दूंगा कि कहां रुकना है, वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो करना क्या है, डी इज इक्वल टू फाइव ऑफ एन। सी हमने पिछले वीडियो में फाइव ऑफ एन कैलकुलेट करके रखा हुआ है, 3120 इनटू आई करना है। नाउ आई इज अ इंटीजर व्हिच वी टेक द वैल्यू फ्रॉम 1 से लेके आगे तक, 1 2 3 4 5 6, स्टेप बाय स्टेप हम लोग ये आई की वैल्यू लेते जाते हैं। पहले स्टेप में आई की वैल्यू 1, दूसरे स्टेप में 2 3 4 5 6 7, ऐसे हम लोग आई की वैल्यू लेते जाते हैं। इन प्लस 1 दैट्स अ कांस्टेंट एंड डिवाइड बाय ई। ई की तो वैल्यू हमने पहले से तय करके रखी थी, यहां पे पिछले वाले वीडियो में 17 हमने ली हुई थी वैल्यू ऑफ ई, ठीक है। तो ये तो फंडा क्लियर हो गया, इसमें सिर्फ अभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी। तो d इज इक्वल टू 3120 इनटू 1, तो यहां पे मैंने पहले स्टेप में i की वैल्यू क्या ली है, 1 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 17, तो मेरा आंसर आता है 183.58। यही नहीं आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए, मतलब आपका आंसर पॉइंट में नहीं आना चाहिए। जब तक आंसर पॉइंट में आ रहा है आगे बढ़ते चलो, आगे बढ़ते चलो, जब तक आंसर पॉइंट में आ रहा है आगे बढ़ते चलो। व्हाट डू यू मीन बाय आगे बढ़ते चलो, कि भैया अभी ये मेरा आंसर पॉइंट में आ गया तो आगे कैसे बढ़ना है, इंक्रीमेंट आई बाय 1, तो आई को मैंने 2 कर दिया, वापस मेरा आंसर पॉइंट में आ रहा है यार गलत है, फिर इंक्रीमेंट किया 3 हो गया, वापस मेरा आंसर पॉइंट में आ रहा है तो उसको इंक्रीमेंट किया 4 में किया। तो ऐसे करते 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 आपको आगे आगे जाते जाना है, इंक्रीमेंट आई को करते जाना है, और तब तक नहीं रुकना है जब तक आपको यहां पे पॉइंट दिख रहा है। जब तक आपको पॉइंट दिखता रहेगा, जब तक आपका आंसर डेसिमल में आपको इसी तरीके से दिखता रहेगा, यू हैव टू मूव अहेड, यू हैव टू मूव अहेड। तो आप बोलोगे भाई रुकना कहां है, थमना कहां है, ठहरना कहां है, तो ठहरना आपको वहां पे है जहां पे आपको एक इंटीजर टाइप ऐसा आंसर मिल जाएगा जहां पे कोई भी पॉइंट नहीं होगा, मतलब पॉइंट में आपका आंसर नहीं होना चाहिए, बस ये मेरा कहने का मतलब। यहां पे आपको कोई भी पॉइंट में आंसर नहीं मिलेगा, जैसे कि मैंने 4 के बाद डायरेक्ट 12 पे जंप मारा, ओके, क्यों, बिकॉज़ यहां पे आप 5 6 7 8 9 10 11 ये भी रख के देख लो, फिर भी आपका आंसर पॉइंट में ही आना है। तो लेकिन आपको आंसर पॉइंट में नहीं चाहिए, इसलिए मैं 12 पे जंप किया, और 12 के बाद 13 और 14 भी अगर आप चेक करोगे तो वो भी पॉइंट में ही आ रहा है, तो मैं सीधा 15 पे जंप किया, और लकीली मेरा लक 15 पे रुक गया, और d इज इक्वल टू 3120 इनटू 15 व्हेन i इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाय 17 और यहां पे प्लस 1, तो मेरा आंसर आता है 2753। कोई भी पॉइंट नहीं है इसमें, नो पॉइंट इज देयर, सो ये आंसर मेरा पॉइंट में नहीं आया, तो ये आंसर मेरा प्रॉपर आ गया है यहां पे, और यहां पे आपको रुक जाना है, और ये वैल्यू आपको d की कंसीडर करनी है, दिस इज द वैल्यू दैट यू हैव टू कंसीडर फॉर d। तो फाइनली आपका जो की बनेगी, जो कि प्राइवेट की थी, तो प्राइवेट की कैसे बनती है आपकी, ये जो d वैल्यू फाइंड की कॉमा n, अभी ये कैसे बनता है कि भैया d की वैल्यू है 2753 कॉमा n की वैल्यू क्या, 3 n की वैल्यू थी 3233, ओके, तो यहां पे आपकी प्राइवेट की जनरेट हो गई। यहां पे आके आपका लास्ट वीडियो रुका था जहां पे मैंने सिर्फ आपको d कैसे कैलकुलेट किया जाता वो नहीं बताया था, इस वीडियो में वो भी बता दिया कि भैया d को कैसे कैलकुलेट करना है, कौन से स्टेप्स फॉलो करना है, कब तक चलते जाना है, कैसे चलते जाना है, और कब ठहरना है, कब रुकना है, कब थमना है, यहां पे रुकना है जब आपका आंसर आपको पॉइंट में ना दिखे। तो जैसे कि आपको यहां पे सारे आंसर्स पॉइंट में दिख रहे हैं, यहां पे आपको पॉइंट में नहीं दिखेगा, एकदम सिंगल पीस आंसर दिखेगा। तो दिस इज द आंसर दैट वी हैव गॉट, दिस इज द वैल्यू ऑफ डी एंड दिस इज योर प्राइवेट की दैट इज जनरेटेड। आगे और भी डिटेल्स है आरएसए एल्गोरिथम की, वो मैं डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूं, अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करने वाला हूं कि भैया और कौन से स्टेप्स है जो कि आरएसए एल्गोरिथम में इंप्लीमेंट किए जाते हैं। हाल फिलहाल अगर ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा, अच्छा लगा होगा, तो दोस्तों इसे लाइक कर दीजिए। अगर मैंने आपकी एग्जाम में थोड़ी बहुत मेरे इन वीडियोज की वजह से आपके एग्जाम में थोड़ी मदद हो गई होगी, तो दोस्तों ये मदद को प्रोपेगेट कीजिए अपने दोस्तों के साथ। कीप शेयरिंग माई वीडियोज। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।